नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार पुलिस सिपाही 8415 की जो शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी फिजिकल की जो के लिए जो टेस्ट कराया जाना था, जो शारीरिक परीक्षा होनी थी, जो 28 जनवरी से निर्धारित थी, 28 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक जो शारीरिक दक्षता परीक्षा निर्धारित थी, उसको CSBC ने नोटिस जारी करते हुए एक बड़ा फैसला ले लिया है। और जिस तरह की मांग लगातार उठ रही थी, क्योंकि कोरोना के कारण मैदान, फील्ड, पार्क सबको बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से लोग अपनी शारीरिक परीक्षा की तैयारी नहीं कर पा रहे थे, दौड़ नहीं पा रहे थे। ऐसे स्थिति में CSBC ने निर्णय लेते हुए 28 जनवरी से जो शारीरिक दक्षता परीक्षा 4 फरवरी तक चलने वाली थी, उसे स्थगित कर दिया है। और क्या इस नोटिस में है, आप देखें कि ये नोटिस जारी करते हुए CSBC ने साफ तौर से लिखा है कि केंद्रीय चयन परिषद यानी सिपाही भर्ती की विज्ञापन संख्या 5/2020 के अंतर्गत दिनांक 28 जनवरी 2022 से 4 फरवरी 2022 तक आयोजित की जाने वाली शारीरिक दक्षता परीक्षा PET अपरिहार्य कारणवश स्थगित की जाती है। मतलब रीजन इसमें मेंशन नहीं किया गया, लिखा नहीं गया। इसके संबंध में अलग से तिथि पूर्व निर्धारित करते हुए कार्यक्रम परिषद की वेबसाइट www.csbc.bih.nic.in पर प्रकाशित की जाएगी। दूसरा इसमें लिखा है कि 9 फरवरी से जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम है उसके अनुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा यथावत होगी। यानी कि 9 फरवरी से जो शारीरिक दक्षता परीक्षा जो किया हुआ है वो वैसे ही रहेगा, मगर जो 28 जनवरी से 4 फरवरी तक के बीच में जो 8415 जो बिहार पुलिस सिपाही भर्ती के लिए शारीरिक परीक्षा होनी थी उसे स्थगित किया है। और अगली तारीख अभी नहीं दी गई है। कहा गया है कि CSBC के वेबसाइट को आप लगातार देखते रहें, उसी पर ये साइट पर तारीख दे दी जाएगी। तो ये बड़ी खबर है। और जिस तरह से शारीरिक परीक्षा की लड़के पहले तैयारी कर रहे थे मैदानों में और बाद में कोरोना के कारण मैदान बंद कर दिए जाने की वजह से उन्हें शारीरिक परीक्षा की तैयारी करने में दिक्कत हो रही थी, आवाज़ लगातार उठ रही थी, और अब एक सही फैसला लेते हुए CSBC ने स्थगित कर दिया है। बहरहाल इस तरह की खबर के लिए आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, फेसबुक के जरिए देखें तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।